हेलो, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, द थीव्स स्टोरी। जैसा कि आपको लग रहा है, स्टोरी से ही पता चल रहा है कि एक चोर की कहानी। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग बॉय है, फ्रेंडशिप करता है अनिल से। अनिल ट्रेड हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिम। तो अब पता चल क्या कि क्या वो लड़का उससे फ्रेंडशिप करता है, उसे एम्प्लॉयज रखता है अपने घर में, तो क्या वो उसके साथ में बिट्रे करता है या ऑनेस्टी। हम इसमें पढ़ते हैं चैप्टर में। आई वॉज स्टिल ए थीव व्हेन आई मेट अनिल। मैं जो था एक चोर था, स्टिल अभी चोर ही था कि जब मैं अनिल से मिला। एंड थॉट ओनली 15 एंड दो ओनली 15 ओनली 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं अच्छा एक्सपीरियंस्ड और मेरा हाथ जो था चोरी में बिल्कुल सक्सेस था। एंड अनिल वॉज वॉचिंग रेस्लिंग मैच वेन आई अप्रोच हिम। अनिल जो था एक रेस्लिंग मैच वॉच कर रहे थे जब मैं उनके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25। वो जो था एटलीस्ट 25 के आसपास का था। ए टॉल लीन पतला दुबला फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग और ही लुक्ड इजी गोइंग एंड काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। वो बड़ा ही ईजी गोइंग और बड़ा ही काइंड और सिंपल था उसके पर्पस के लिए, उसके थीव के उद्देश्य के लिए। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। मेरा जो वो लक था वो ज़्यादा बढ़िया नहीं था, तो मैंने सोचा कि मुझे जो है इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस को जीत लेना चाहिए, जल्दी ही इसके कॉन्फिडेंस को पा लेना चाहिए। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेस्लर लाइक। तो क्या कहता है उसको अनिल को कि तुम जो हो एक रेस्लर की तरह दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने कहा, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंडशिप। उसके साथ फ्रेंडशिप करने में थोड़ी सी उसकी चापलूसी की। सो डू यू, तो क्या तुम करोगे। ही रिप्लाइड, उसने कहा, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज ए रादर थिन। उसने कहा कि विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जो एक पल के लिए उसने मुझे सोचने का लिए मजबूर किया, बिकॉज मैं जो था उस टाइम पर आई वॉज रादर देन थिन, एक पतला दुबला था। वेल आई सेड मोडेस्टली, मैंने मोडेस्टली कहा, बिल्कुल, आई डू रेस्लिंग ए बिट, मैं थोड़ी बहुत रेस्लिंग कर सकता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तो वो कहते हैं कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस से और जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयज थे उनसे दूर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्टर। अनिल जो था जो रेस्लर जो वेल ऑयल्ड हुए पड़े थे उनसे उसने बात की। हु वॉज ग्रंटिंग, जो ग्रंटिंग कर रहे थे वेयर आई एम, वन मिनट बच्चों, हाँ वेयर वॉज, जो ग्रंटिंग कर रहे थे, लिफ्टिंग कर रहे थे, थ्रोइंग कर रहे थे ईच अदर आपस में अबाउट। एंड आई डिड नॉट हैव मच टू से, मैं ज़्यादा कुछ नहीं उससे बोल पाया। अनिल वॉक अवे, और अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कॉजली, मैं उससे कभी कभी मिला।
हेलो अगेन ही सेड, उसने से हेलो हुई। उन्होंने कहा आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपनी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली उसकी तरफ स्माइल किया, स्माइलिंग दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, तो कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा, पर वो कहते हैं कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट फॉर ए मिनट, मैंने एक मिनट के लिए तो सोचा, पर अब शायद आई हैड मिसजज माई मैन, शायद मैंने मिसजज किया है। आई आस्क कैन यू फीड मी, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो उसने कहा कि क्या तुम कुक हो, पका सकते हो। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट्स शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अब वो जो था मुझे अब टुक मी टू हिज रूम, अपने रूम पर ले गया ओवर द जमुना स्वीट्स पर एंड टोल्ड मी, और कहने लगे कि तुम्हें आज यहाँ पर बालकनी में सोना है। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग। जो मगर उस रात जो खाना मैंने बनाया था वो जो था बहुत ही टेरिबल था, बहुत ही बेकार था, क्योंकि मैंने उस खाने को अनिल को, जो उसके स्ट्रे डॉग थे, जो उसके जंगली कुत्ते थे, उनको देते हुए देखा। एंड टोल्ड मी टू ऑफ, बट आई जस्ट हंग अराउंड, मगर मैं जो था भूखा था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल करते हुए, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो सिर्फ हंस के चल दिया, सिर्फ हंस लिया। मतलब लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर को थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, उसने कहा कोई बात नहीं, माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई हैड टीच ही हैड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड एड नंबर्स। तो वो क्या कहता है कि वो मुझे खाना बनाने भी सिखाएगा और ऑल्सो टीच मी हाउ टू राइट, कि कैसे अपना नाम लिखा जाता है, एंड ही वो ये भी बताएगा कैसे पूरे सेंटेंसेस को लिखा जाता है एड टू नंबर्स, इसके साथ साथ नंबर्स भी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा ग्रेटफुल था। आई न्यू, मुझे पता था दैट वंस आई कुड राइट, अगर मैं एक बार लिखना सीख गया, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह से लिखना सीख गया, पढ़ना लिखना, देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, तो कोई लिमिट नहीं रहेगी किसी भी चीज़ को अचीव करने का। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ काम करना बड़ा ही प्लेजेंट था, बिल्कुल प्लेजेंट था उसके साथ में। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में टी बनाता, देन वुड टेक मी टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, फिर मैं जो दिन में जो सप्लाईज होती थी उसको करता, देन यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, मुझे जिससे मुझे एक आध रुपये का प्रॉफिट हो जाता। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट इट डिड नॉट सीम्स टू माइंड, उसको पता था कि इस तरीके से मैं जो हूँ एक आध रुपया कमा लेता हूँ, मगर उसने इस बात को कभी भी शो नहीं होने दिया, उसने माइंड नहीं किया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अब जो था इस तरह से अनिल पैसा कमाने लगा। ही वुड बोरो वन वीक एंड लेंड द नेक्स्ट वीक, एक सप्ताह क्या करता, वो पैसे बोरो कर लेता और दूसरे सप्ताह वो उसको लेंड कर देता, एक सप्ताह लेता दूसरे देता। ही कैप्ट
वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने नेक्स्ट चेक के चेक आने के लिए वरीड रहता। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, जैसे ही उसे चेक मिलता तो वो जो था उसको सेलिब्रेशन में लग जाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी मैगजीन्स के लिए लिख रहा है। ए क्वीर वे टू मेक मी लिविंग, एक रहने का एक उसका विचित्र ढंग था उसको, ए क्वीर वे टू मेक मी ए लिविंग, एक रहने का एक क्वीर वे था। वन इवनिंग ही केम होम, एक इवनिंग वो घर आया विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके पास कुछ छोटे से नोट्स के बंडल थे। सेइंग, कहते हुए ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर एट नाइट एंड आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब वो क्या हम कहते हैं कि ये कहते हुए कि दैट ही हैड सोल्ड ए बुक ऑफ पब्लिशर, उसने पब्लिशर से कुछ बुक सोल्ड की हैं उस रात, और उसने क्या देखा कि उस रात उसने उस पैसे को टक किया उसके मनी अंडर द मैट्रेस के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैंने अनिल के लिए लगभग एक महीना काम किया। एंड अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग एंड चीटिंग और अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग, मतलब कहना चाहिए कि धोखाधड़ी के अलावा ऑन द शॉपिंग में हैड नॉट डन एनीथिंग, इसके अलावा उसने कुछ और नहीं सीखा इन अपनी लाइफ में, इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने धंधे में उसने और कुछ नहीं जानता, चीटिंग ज़्यादा अच्छे से जानता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने के लिए हर एक अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने उसको जो थी उसको एक दरवाजे की की दी, गिवन मी की टू द डोर एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जैसे कि वो जैसे भी मतलब मुझे कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसे मुझे अच्छा लगे मैं आ जा सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मुझे ये बहुत ट्रस्टिंग पर्सन मिला था जिससे कि मैं मिला। एंड दैट इज वाई, इसलिए इट वॉज डिफिकल्ट टू रोब हिम, इसलिए उसको जो था डिफिकल्ट उसको रोब करना बड़ा ही डिफिकल्ट था। इट्स इजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन को रोब करना आसान है। Because he can afford to be robbed. वो कहते थे कि एक जो लालची आदमी है उसको तो रोब करना आसान है। Because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. क्योंकि उसके लिए तो कुछ एफर्ट हो सकता है, मगर जो एक केयरलेस लापरवाह आदमी को जो है रोब करना बड़ा ही मुश्किल है। समटाइम्स ही डज नॉट नोटिस ही बीन रोब, क्योंकि कभी कभी वो नोटिस भी नहीं करता कि वो जो है रोब हो गया है। ही बीन रोब एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, कि वो जो है कभी कभी जो है वो परवाह भी नहीं करता कि वो रोब हो गया है, जिससे कि वो दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द, जिससे कि मतलब वो सारी खुशियां ले सके। वेर आई एम वन मिनट बच्चों, आई हैव मिस्ड द लाइन।
जिससे कि वो काम की सारी खुशियां ले सके. वेल इट्स टाइम. अच्छा अब जो टाइम था. आई डिड सम रियल वर्क. मुझे कुछ रियल वर्क करना था. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से कहा. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैं अभी प्रैक्टिस आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी. और अगर मैं पैसे नहीं लेता. ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन द फ्रेंड्स. तो ये क्या कर देगा, अपने फ्रेंड्स पर वेस्ट कर देगा. आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद ही डज नॉट इवन पे मी. और फिर ये मुझे पे भी नहीं करेगा. तो अभी क्या करते हैं देखते हैं. अनिल वॉज एस्लीप. अनिल जो था सोया हुआ था. ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. एक बालकनी में एक जो थी मून लाइट दिखाई दे, जो प्रकाश की जो किरण है वो आती दिखाई देती है. फेल ऑन द बेड. उसके बेड पर पड़ते हुए. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं फ्लोर पर बैठ गया. कंसीडरिंग द सिचुएशन को विचार करने लगा. इफ आई टुक द मनी. अगर मैंने पैसे लिए. आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तब मैं 10:30 पर आने वाली लखनऊ ट्रेन को कैच कर सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए. आई क्रैप्ट अप टू द बेड. मैं बेड की तरफ को चला. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बिल्कुल शांति से सोया हुआ था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलिट. उनका जो फेस था बिल्कुल क्लियर और अनलिट था. इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस. यहाँ तक कि मेरे फेस पर कुछ ज़्यादा मार्क था. दो माइन वर मोस्टली स्कार. मेरे पर जो थे अधिकतर क्या थे, मोस्टली स्कार्स थे, धब्बे थे. माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस. मैंने अपने हाथ को मैट्रेस के अंदर स्लिट किया. सर्चिंग फॉर द नोट्स को सर्च किया. व्हेन आई फाउंड देम. जब मैंने उन्हें पाया. आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड. मैंने उनको धीरे धीरे बिना आवाज़ करते हुए खिसका लिया, ले लिया. अनिल साई इन हिज स्लीप. अनिल जो था अपनी स्लीप में क्या कर रहा था, थोड़ा सा उसने आ भरी. एंड टर्न ऑन हिज साइड. और अपनी साइड पर मुड़ा. टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ को. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली ट्रेवल्ड आउट ऑफ द रूम. मैं एकदम से हैरान रह गया, बहुत चक्का हो गया. एंड जल्दी से क्रॉल करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड. मैं जब सड़क पर था. आई बिगिन टू रन. मैंने भागना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट एट माई वेस्ट. तब मेरी वेस्ट में जो थे नोट्स थे. हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा. और उनको मैंने एक रस्सी के द्वारा अपने पजामे से टक किया हुआ था, बांधा हुआ था. आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. 600 rupees and 50s. तो मैंने जो मैंने थोड़ा सा धीरे चला, धीरे चल के मैंने जो था उन नोट्स को काउंट किया, जो कि 600 के जो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो मैंने जो था उनको काउंट किया, वो 600 रुपीस इन 50s के नोट्स में थे. आई कुड बी लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू वीक.
मैं जो हूँ इस तरह से एक बहुत अमीर आदमी की तरह से रह सकता हूँ। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा, I did not stop at the ticket office. मैं कभी भी जो था, I did not stop at the ticket office पर कभी नहीं रुका. It had never bought me a ticket in my life. मैंने कभी भी अपनी लाइफ में टिकट नहीं लिया था. But dash straight to the platform, और सीधा प्लेटफॉर्म पर जाता था. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जा चुकी थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और जो ट्रेन थी वो अभी स्पीड पर ही आई थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरियज, मैं जो था एक डब्बे में चढ़ सकता था जंप करके. बट आई हेजिटेट, मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ. When the train had gone, but मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, मिस कर गई लाइन. फॉर सम रीज़न, कुछ वजह से, आई कैन एक्सप्लेन, आई कॉन्ट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, इस तरह से मैं चांस को लॉस्ट कर गया. When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन जा चुकी तो मैंने अपने आप को बिल्कुल वीरान प्लेटफॉर्म में अकेला पाया. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मेरे पास ऐसा कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं रात को कहाँ बिताऊँ. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था. Believing the friends were more trouble than help, और ये सोचते हुए कि जो फ्रेंड्स से जो है इतने जो था कि उनसे इतनी परेशानियां ज़्यादा मिलती हैं बजाय के आराम के. Believing that friends were more terrible than help, help की बजाय वो problems ज़्यादा create होती हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. And I did not want to make any, मैं किसी को परेशान, make anyone curious भी नहीं करना चाहता, रुक कर at by staying at at one of the small, वहाँ मैंने जो था एक उसके रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल में स्टे किया. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन, एक सिर्फ एक ओनली पर्सन था जिसको कि मैं अच्छे से जानता था, वो कौन था, आई हैड रोक, जिसको मैंने रोक किया था. लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ गया. माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, अपने कैरियर वो थीप के शॉर्ट कैरियर में, छोटी सी लाइफ में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेसेस, मैंने जो था लोगों के फेसेस की स्टडी किया. वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने सामान को खो देते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी आदमी होता है उसको थोड़ा सा वो कैसा दिखता है, थोड़ा सा फियर दिखता है, डरा हुआ. द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो थोड़ा सा एंगर दिखाई देता है. बट द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, पुअर मैन तो एक्सेप्ट ही कर लेता है. बट आई न्यू दैट अनिल फेस, मगर मुझे अनिल की फेस का पता था. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसे एक वुड शो ओनली ए टच, उसको एक थोड़ा सा सैडनेस का टच होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने का नहीं, बट उसको पैसे खोने का नहीं,
बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसको पैसे खोने, विश्वास खोने का। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। ही दैट द नाइट वॉज वेरी चिली, रात बहुत कैसी थी, चिली थी, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवम्बर, नवम्बर की शुरुआत थी। एंड द लाइट डिजलिंग, और हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, जो कि मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कर रही थी। सून इट वॉज रेजिंग क्वाइट हैवीली, सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवी, थोड़ी सी बारिश जो थी जल्दी थोड़ा तेज़ होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरे शर्ट और पजामा जो थे वो मेरी स्किन से स्टक होने लगे, चिपकने लगे। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो कोल्ड विंड थी वो ब्लू द रेन अक्रॉस उसके चेहरे से, मतलब जो बूंदे जो उसके चेहरे पर आकर जैसे गिर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार की तरफ गया। एंड सेट डाउन इन ए शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं जो था एक क्लॉक टावर के शेल्टर में जाके वहाँ पे उसके आश्रम में जाके बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिड नाइट, क्लॉक जो थी वो आधी रात शो कर रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स के बारे में विचार किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश की वजह से क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2-3 rupees टू गो फॉर टू द सिनेमा, कि वो जो है मुझे 2 या 3 rupees जो थे प्रोबेबली सिनेमे के लिए देता था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, मगर अब मेरे पास ये सब है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मुझे अब उसका खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाजार एंड लर्न टू राइट द होल सेंटेंसेस एनी मोर, ना मतलब बाजार की तरफ दौड़ना पड़ेगा और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस को लिखना पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, मैं इन सब के बारे में भूल गया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड, वन मिनट, आई हैड फॉरगॉटन, मैं एक्साइटमेंट में सारा कुछ भूल गया। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज, इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, और वो ये भी जानता था कि एक दिन मुझे जो है ये और मतलब कुछ 100 rupees मोर देन ए फ्यू हंड्रेड कुछ और मतलब मिल सकते हैं, मगर इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो आसान है। बट समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, मगर उतना ही पकड़े जाना भी आसान है। बट टू बी रियली ए बिग मैन, मगर एक बड़े आदमी के लिए। ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और रेस्पेक्टेड मैन के लिए वॉज समथिंग एल्स, कुछ और ही है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं वापस अनिल के पास गया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर सिर्फ ओनली मैं लर्न टू रीड एंड राइट करना चाहता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं एकदम से तेज़ी से जो था अपने रूम की तरफ को गया। अपने आप को बड़ा नर्वस फील करता है, फॉर इट इज़ मच
Easier to steal sometimes than to return it undetected. मगर ये बड़ा आसान था उनको इजीली स्टील करना देन उनको बिना पता लगे वापस करना. आई ओपन द डोर क्वाइटली मैंने धीरे से दरवाजे को खोला देन स्टूड इन द डोर वे तब मैं डोर वे कहते हैं दहलीज में खड़ा हुआ. आई इन क्लाउडेड मून लाइट और क्लाउडेड मून लाइट में अनिल वॉज स्टिल स्लीपिंग अनिल अभी सोया हुआ था. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड मैं धीरे धीरे रेंग के बेड के सिरहाने तक गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड जब मैंने अपना वो हाथ नोट्स की तरफ उधर रखने के लिए किया तो एकदम से जो उसकी जो सांस थी उसने मेरे हाथों को टच किया. आई रिमेन स्टिल एक पल के लिए तो वो रुक गया फॉर ए मिनट के लिए. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस जैसे वो धीरे धीरे करके उसको खिसका रहा था उसके हाथ ने धीरे से उसको मैट्रेस के किनारे को कैच किया या टच किया. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स और उनको नोट्स को अंदर धीरे से खिसका दिया. आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल वॉज ऑलरेडी नीड टी मैं अगले दिन थोड़ा लेट उठा तो क्या देखता हूँ कि अनिल जो है उसने अपने आप चाय तैयार कर ली. ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी उसने अपना हाथ मेरी तरफ खिसकाया. देर वॉज ए 50 rupees नोट बिटवीन हिज फिंगर उसकी उंगलियों के बीच में 50 rupees थे. माई हार्ट शैंक मेरा एकदम से दिल जो था शैंक हो गया. और आई थॉट मैंने सोचा आई हैड बीन डिस्कवर्ड शायद मेरा पता चल गया है. आई मेड सम मनी यस्टरडे जो पैसे मैंने जो कल कमाए थे उसने एक्सप्लेन किया. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली अब तुम्हें डेली रेगुलरली पेड हुआ करेंगे. माई स्पिरिट रोज एकदम से मेरी जो अंतरात्मा जागी. बट व्हेन आई टुक द नोट्स जब मैंने उन नोट्स को पकड़ा लिया आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन कि मैंने क्या देखा कि वो जो नोट थे वो रात की इस बारिश से अभी तक भी गीले थे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस और फिर वो कहने लगा आज हम जो हैं सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे. ही सेड ही न्यू वो जानता था बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग ना तो उसके होठों ने कुछ कहा ना ही उसकी आंखों ने कुछ शो किया. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे मैं अनिल की तरफ अपने मोस्ट अपीलिंग वे में मुस्कुराता हुआ. एंड द स्माइल केम बाई इट्सेल्फ स्माइल जो थी वो अपने आप ही आ गई विदाउट एनी एफर्ट्स बिना किसी एफर्ट्स के. तो बच्चों इस तरह से ये जो हमारा आज का जो चैप्टर है थीम्स स्टोरी फिनिश हुआ. नीचे जो है इसका तब तक के लिए हमें आप इसे अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा और बताइए. ये हमारे चैप्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें अच्छा लगा और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना बिल्कुल भूलें. हैव अ नाइस डे गुड बाय गाइस.